राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया तो भी हंगामा हो गया, क्योंकि राहुल तो ट्रैक्टर से उतरकर संसद भवन के भीतर चले गए, मगर उनकी जगह ट्रैक्टर पर बैठे रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने पकड़ लिया। जिस ट्रैक्टर पर आज की पूरी राजनीति रची गई थी वो भी बिना नंबर वाला निकला। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि राहुल का ये ट्रैक्टर मार्च क्या एकाएक हुआ या फिर प्लानिंग के तहत इसे अंजाम दिया गया, जिस तरह की तस्वीरें आज दिल्ली से सामने आई, और इस ट्रैक्टर मार्च के बारे में किसी को खबर तक आखिर क्यों नहीं लगी। संसद के सड़क पर राहुल ने ट्रैक्टर दौड़ाया तो मानो किसानों के मुद्दे पर विरोध की नई फसल की बुआई हो गई। शोर हुआ, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और सियासत में संभावनाओं की फसल के सपने लहलहाने लगे। नेता के नए जोश और नए अंदाज ने ऐसा उत्साह भरा कि पुलिस की हिरासत में भी किसानों के समर्थन के नारे गूंज उठे। दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी जब ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे तब पुलिस ने उन्हें नहीं रोका। हंगामा तब बढ़ा जब उसी ट्रैक्टर को वापस ले जाते वक्त पुलिस ने रणदीप सुरजेवाला समेत 6 कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। यहाँ पे आप देखिए, दिल्ली पुलिस ने बोला भाई ट्रैक्टर अलाउड नहीं है संसद में, राहुल गांधी संसद चले गए और यहाँ रणदीप सुरजेवाला निकले हैं ट्रैक्टर से वापस जाने के लिए। उनसे पुलिस ने पूछा कहाँ जा रहे हैं तो बोले वापस हरियाणा जा रहा हूँ मैं। हालांकि यहाँ पे उनको बोला गया कि अब आप ट्रैक्टर यहीं पे ब्रेक लगाइए। दरअसल कांग्रेस के ट्रैक्टर पे सवार होके राहुल गांधी जब पहुंचे तो उनका सियासी संदेश भी देने की कोशिश थी और यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला को पुलिस जो है डिटेन करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया तो कांग्रेसी नेताओं ने इसे किसानों की आवाज दबाने के तरीके से जोड़ दिया और कहा कि ये विरोध झूठ मूठ का नहीं, हम बस किसानों का हक चाहते हैं। ऐसा है, किसानों की आवाज भी दबा रही है सरकार और किसानों के हिमायतियों की भी। गिरफ्तार करें, जेल भेजे, हम तैयार हैं। ट्रैक्टर चलाने को भी मना कर दिया है, पुलिस स्टेशन ले जा रहे, हम थोड़ी डरेंगे उसके लिए। तो कांग्रेस के खून पे जल जाना लगे। राहुल गांधी से शुरू हुई सरकार के विरोध की आवाज पुलिस की हिरासत में भी जारी रही। थाने ले जाते वक्त कांग्रेसी नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और थाने के भीतर भी नेताओं ने फिर वही सवाल उठाया कि आखिर सरकार किसानों की बात सुन क्यों नहीं रही। हम केवल ये कहते हैं कि हमें पकड़िए, जेल भेजिए, फांसी टांगिए, पर काले कानून खत्म करिए। राहुल गांधी जी ने आज किसान के ट्रैक्टर को संसद तक चलाकर पूरे देश को जगाने का, संसद को जगाने का, अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम किया है ताकि वो देखें, सोचें, मजबूर हो जाएं कि वो किसान भाई, वो मजदूर भाई, गरीब साथी जो सड़कों पर बैठे हैं 8 महीने से, उनके हृदय की पुकार सुनी जाए। सड़क से संसद तक राहुल के ट्रैक्टर मार्च को पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि इसकी प्लानिंग कब हुई। जब कांग्रेसी नेताओं से राहुल की इस ट्रैक्टर वाली पॉलिटिक्स पर सवाल हुआ तो उन्होंने इसे फौरन लिया गया फैसला बता दिया। तैयारी कितनी बड़ी, कितनी पहले से अचानक ये सब कुछ कैसे तैयार हुआ कि राहुल गांधी ट्रैक्टर? इसमें तैयार करने का क्या बात है, इसे ऐसे कोई तैयार की बात ही नहीं है। तो वे प्रजा प्रभुत्व है, विरोध करना है तो अलग अलग तरीके के विरोध कर सकते, इसको कोई तैयार। बड़ी बात यह भी है कि जिस ट्रैक्टर से राहुल ने संसद तक रास्ता तय किया उस पर नंबर प्लेट तक नहीं थी। ये जो आप ट्रैक्टर देख पा रहे हैं ये ट्रैक्टर है, इसी ट्रैक्टर में राहुल गांधी वो पार्लियामेंट तक पहुंचे थे। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर उनको दाखिल नहीं होने दिया गया लेकिन पार्लियामेंट तक पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नई दिल्ली इलाके में जो ट्रैक्टर है वो ले जाना चलाना मना है, सीधे सीधे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन आप देखेंगे तो इस ट्रैक्टर में कहीं भी, चाहे पीछे की तरफ चाहे आगे की तरफ, कहीं भी नंबर प्लेट नहीं है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी जो ये ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के जरिए राहुल गांधी वो बाकायदा ट्रैक्टर मार्च करके निकले थे पार्लियामेंट तक, जो नया कानून सरकार लेकर आई है उसके विरोध
में और किसानों के समर्थन में ये ट्रैक्टर मार्च किया गया था। ट्रैक्टर को जब्त कर पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। खबर ये भी है कि राहुल गांधी पर भी दिल्ली पुलिस एक्शन ले सकती है। राहुल के इस ट्रैक्टर मार्च पर सियासत भी गरमाई हुई है और बीजेपी इसे किसानों के मुद्दे को हाईजैक करने का तरीका बता रही है। उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर पे बैठ करके और किसानों के आंदोलन, कुछ किसानों के आंदोलन को वो हाईजैक करके अपना राजनीतिक कोई फायदा उठाने की कोशिश कर पाएंगे तो वो असफल होंगे। याद होगा लोगों ने भट्टा परसौल में भी इसी तरह का किसानों के झोपड़ियों में, घरों में बैठ करके फोटो अपॉर्चुनिटी का काम इन लोगों ने किया था। इसलिए जो है मुझे नहीं लगता कि किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग देश को में आशंकाएं और अफवाहें फैला करके किसी तरह का राजनीतिक लाभ ले सकते। ईमानदारी से आगे बढ़ो। इतने भोले भाले किसानों को बिठा के बरगला के रखे हैं, उन किसानों के घरों के लोग भी अब जानने लगे हैं, इनकी परेशानी, इनको प्रेशर बढ़ रहा है। संसद में कहते हैं जवाब दो और सरकार के लिए जवाब सुनो, तो सुन ही नहीं रहे। 8 महीने से जारी किसानों के आंदोलन का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है, लेकिन अब इस पर केंद्र को घेरने के लिए सड़क पर सियासी दल निकल चुके हैं और राहुल ने संसद से ट्रैक्टर मार्च कर इसकी शुरुआत कर दी है। अरविंद ओझा और मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।